हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटेक बब्लू इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड आ गया हम न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो लेकर। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को एडिट करते हैं। उससे पहले आपके मोबाइल में काइन मस्ट ऐप होना जरूरी है, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम काइन मस्ट ऐप को ओपन करते हैं। काइन मस्ट ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा फ्रेंड। तो आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको 16:9 का रेशियो ले लेना है। और फ्रेंड उसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन में जाना है और बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। और इसका लेयर बढ़ा देना है कुछ 15 सेकंड तक बढ़ा देते हैं फ्रेंड, आप अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद में ओके कर दीजिएगा फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है और मीडिया के ऑप्शन में जाना है फ्रेंड। और एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। तो इस फोटो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड, आप अपना फोटो इसमें लगा सकते हैं। तो इस फोटो को हम सिलेक्ट कर लिए फ्रेंड। और इसका पहले हम लेयर बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड पहले इसको हम जूम करेंगे। तो इस तरह जूम करके इसको इतना बड़ा कर देना है। और उसके बाद में आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से डुप्लीकेट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है फ्रेंड। आपको नीचे आ जाना है कलर फिल्टर के ऑप्शन में। तो यहाँ से हम आ जाते हैं कलर फिल्टर के ऑप्शन में फ्रेंड। और यहाँ नीचे आ जाना है सबसे नीचे। और यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड। आपको यहाँ पे आ जाना है इसमें सबसे लास्ट वाले 6 नंबर पर क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। फिर से आपको डुप्लीकेट वाले फ़ोटो पर क्लिक करके और ओवर एलिमेशन के ऑप्शन में आ जाना है फ्रेंड। और यहाँ से आपको बिलिंग शो पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फिर से उसी फोटो पर क्लिक करके आपको नीचे आ जाना है एडजस्टमेंट के ऑप्शन में। तो यहाँ एडजस्टमेंट के ऑप्शन में आ गए फ्रेंड। और इसका लाइट कम कर देना है थोड़ा। और उसके बाद में ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको आ जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में फ्रेंड आ जाना है। और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फाइल से। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रेंड। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ओके कर दीजिएगा फ्रेंड। और कैंची के बगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रेंड। और उसके बाद में आपको ऑफ के बगल पर क्लिक करना है यहाँ पर और ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करना है और आपको नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन में। और यहाँ से स्क्रीन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड और ओके कर देना है। और उसके बाद में फिर इसी पे क्लिक करना है फ्रेंड। और आपको नीचे आ जाना है एडजस्टमेंट का ऑप्शन में फ्रेंड। तो यहाँ से हम एडजस्टमेंट का ऑप्शन में आ जाते हैं नीचे। और इसका लाइट बढ़ा देना है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा बढ़ाना है इसको। और फ्रेंड इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दिए। और उसके बाद में फ्रेंड ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है, मीडिया के ऑप्शन में जाना है और एक और ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है लाइट वाला। तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में कैंची के बगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको भी फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा फ्रेंड। और फिर से फ्रेंड इसी पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में। तो हम यहाँ आ जाते हैं नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में फ्रेंड। और इसको भी इसी तरह से स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फिर इसी पे क्लिक करना है और आपको आ जाना है एडजस्टमेंट के ऑप्शन में। तो हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऑप्शन में फ्रेंड। और इसका भी लाइट कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, थोड़ा सा बढ़ाना है इसका लाइट। और इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है फ्रेंड और ओके कर देना है कुछ इस तरह से। और फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। और फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर दिए, नहीं तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लाइम आ सकता है फ्रेंड। और फ्रेंड इसको सेव करने के लिए शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से क्वालिटी को चेंज कर लेना है और नीचे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड हमारा वीडियो अब सेव होने लगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।